नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। श्रीनगर गढ़वाल में शहर से 4 किलोमीटर दूर चारधाम के पास देर रात एक कैप्सूल ट्रक अनियंत्रित होकर 100 मीटर नीचे झील में जा गिरा। बताया जा रहा है कि वाहन में ट्रक चालक के अलावा कोई और सवार नहीं था। हादसे की जानकारी मिलते ही SDRF की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद देर रात रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। लाख कोशिश के बावजूद भी चालक का दलदल में कुछ भी पता नहीं चल पाया है। भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष दिलबाग सिंह पर हमला हुआ। उनकी कार पर 3 राउंड फायरिंग की गई है। फायरिंग हमले में दिलबाग सिंह बाल बाल बचे हैं। अलीगंज से घर आते समय हमलावर ने इस हमले को अंजाम दिया है। गोला कोतवाली के अलीगंज की पूरी घटना बताई जा रही है। बता दें कि दिलबाग सिंह तिकुनिया हिंसा कांड के गवाह हैं। 2 बाइक सवार बदमाशों ने यह हमला किया है। सरोवर नगरी नैनीताल के राजकीय बीडी पांडे अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर के एस धामी का सेवाकाल समाप्त होने पर अस्पताल प्रबंधन ने उन्हें भावभीनी विदाई दी। इस दौरान अस्पताल के कर्मचारियों की आंखें भी भराई। विदाई समारोह के दौरान वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर MS दुताल ने PMS धामी द्वारा बीडी पांडे अस्पताल में किए गए विकास कार्यों के बारे में विस्तार से बताया। चारधाम यात्रा मार्ग पर जाने के लिए BTC परिसर में रजिस्ट्रेशन काउंटर पर स्थिति लगातार बिगड़ती नजर आ रही है। हजारों की संख्या में प्रतिदिन तीर्थयात्री यात्रा मार्ग पर जाने के लिए BTC परिसर पहुंच रहे हैं, मगर रजिस्ट्रेशन नहीं होने की वजह से प्रतिदिन रजिस्ट्रेशन कराने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या में इजाफा हो रहा है। स्कूल की छुट्टियां पड़ने की वजह से तीर्थयात्रियों की संख्या में और ज्यादा वृद्धि हो गई है। बुधवार को रजिस्ट्रेशन काउंटर के बाहर हजारों की संख्या में तीर्थयात्रियों ने रजिस्ट्रेशन नहीं मिलने पर हंगामा किया। चार धाम यात्रा को लेकर के काफ़ी उत्साह है लोगों में और बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु जो है चार धाम यात्रा पर आ रहे हैं, लेकिन हमारा श्रद्धालुओं से अनुरोध रहेगा कि वे अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लें और जो स्लॉट उनको मिलता है उसी डेट में अपना प्लान करके जो है यात्रा पर आएँ। बिना रजिस्ट्रेशन के किसी को भी चार धाम यात्रा में अनुमति नहीं है, दर्शन की अनुमति नहीं है। इसलिए आप ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन करके घर से ही आएँ और जो डेट आपको मिलती है उसी पर आएँ। अज्ञात कारणों के चलते पुलिसकर्मी ने खुद को गोली मार ली। पुलिस लाइन में तैनात पुलिसकर्मियों ने घायल जवान को जिला अस्पताल उरई में भर्ती कराया। हालत नाजुक होने के चलते घायल पुलिसकर्मी को डॉक्टर ने अस्पताल कानपुर रेफर कर दिया। उरई कोतवाली क्षेत्र के जालौन रोड की पूरी घटना बताई जा रही है। श्रावस्ती में कार्यों में शिथिलता बरतने पर 5 सफाईकर्मियों पर हंटर चला है। DPRO आनंद प्रकाश की बड़ी कार्रवाई हुई है। 5 सफाईकर्मियों को निलंबित किया गया। कार्यों के निर्वहन में शिथिलता बरतने पर निलंबन की कार्रवाई हुई है। मंडल उपनिदेशक ने ग्रामीण क्षेत्रों का निरीक्षण कर जायजा लिया था। ग्रामीण क्षेत्रों में साफ सफाई न होने और गंदगी मिलने पर यह बड़ी कार्रवाई की गई। बिजनौर में SP City डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह के नेतृत्व में CO City कुलदीप कुमार गुप्ता, CO ट्रेनी भरत कुमार, शहर कोतवाल रविंदर कुमार वशिष्ठ भारी संख्या में पुलिस बल को लेकर नागरिकों की सुरक्षा व्यवस्था, बाजार को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए पैदल गश्त करते हुए नजर आए। देखिए, प्रतिदिन की भांति आज भी शहर बिजनौर में संवेदनशील स्थानों पर व्यापारिक प्रतिष्ठान जहाँ पे हैं उनका पैदल भ्रमण किया गया। भ्रमण के दौरान जो लोग सड़क से बाहर निकाले हुए हैं सामान उनको अंदर करने के लिए बताया गया और उनकी कुशल क्षेम जानी गई। बाकी इस रूटीन का ये भ्रमण था। फर्रुखाबाद में एक फोटो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि फर्रुखाबाद में दुदाद आतंकी के ऑफिस के बाहर पोस्टर लगा है। बिजली विभाग के उपकरण कार्यालय में ये फोटो लगाया गया है। DSO रविंद्र प्रकाश गौतम ने आतंकी को विश्व का सर्वश्रेष्ठ अभियंता बताया। खूंखार आतंकी की फोटो ऑफिस में लगी होने से लोग हैरत में पड़े हैं। फोटो वायरल होने के बाद ऑफिस से आतंकी की फोटो हटाई गई है।
फिरोजाबाद के थाना टूंडला में देर शाम उस समय अफरा तफरी मच गई जब स्टेशन रोड स्थित चंदे मंदिर के पास लगे एक ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग पेड़ में लगकर मंदिर में पहुंच गई जिससे मंदिर में मौजूद पुजारी आग बुझाते समय झुलस गए। आनंद फानन में लोगों ने इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और किसी तरह से आग पर काबू पाया। हरदोई में आदर्श पट्टी दुकानदार यूनियन द्वारा राष्ट्रपति को पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु की मांग की गई है, जबकि शाहबाद में विहिप नेताओं ने प्रशासन को 15 दिन का अल्टीमेटम देकर बड़े अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। दोनों ही जगह छोटे और पट्टी दुकानदारों को अतिक्रमण के नाम पर प्रताड़ित करने और बड़े अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई न करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। झांसी के थाना कोतवाली क्षेत्र के नरिया बाजार स्थित एक साड़ी के शोरूम में शॉर्ट सर्किट की वजह से भीषण आग लग गई, जिसकी वजह से दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। आग इतनी भीषण थी कि जिसके चपेट में आने से गैस सिलेंडर भी तेज धमाकों के साथ फट गए। मेरठ में पत्रकार के भाई को बदमाशों ने गोली मार दी। गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में ये बताया जा रहा था। मुजफ्फरनगर के बदमाशों की वारदात कैमरे में कैद हुई है। मेडिकल थाने के अजंता कॉलोनी का ये पूरा मामला। सिद्धार्थनगर के जोगे कोतवाली क्षेत्र के फजितवा पुल के पास सुपा बक्सी मोड़ पर अज्ञात महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची है। शव को अपने कब्जे में लिया है। उस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।